नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बैंक से मिल रहे हैं 2000 के नोट। इंडिया न्यूज पर 2000 के नोट की पहली झलक देखिए। आपकी तस्वीरों आप तस्वीरों में देख सकते हैं 2000 का नया नोट। लोगों को बड़ा इंतजार था 2000 में। हिंदुस्तान में 2000 का नोट जो है पहली बार हिंदुस्तान में आज लोगों के सामने आया है, लोगों को देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि इस पर चंद्रयान की तस्वीर बनी हुई है। गांधी जी जो हैं, जो पहले किनारे की तरफ हुआ करते थे नोट पे, वो अब बीच में हैं। आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल के सिग्नेचर है इस पर कि मैं ये नोट धारक को प्रदान करता हूं। अब आपके टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, दूसरी मुंबई की है, कोलकाता की है, गाजियाबाद भी हम आपको लेके गए हैं, हैदराबाद में भी है हमारे संवाददाता। अहमदाबाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बैंक्स के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं, लोग बहुत परेशान हैं। सुबह ही 7 बजे से ये कतारें देखने को मिल रही थी। हालांकि बैंक आज ठीक 9:30 बजे खोल दिए गए हैं। जो कर्मी है वो बहुत मदद कर रहे हैं लोगों की, लेकिन फिर भी भीड़ बहुत ज्यादा है। के सामने ये 2000 का नोट है। जितेंद्र पाल सिंह मेरे साथ में हैं, जो काफी खुश है। सबसे पहले इनको ये नोट मिला है और ये नोट मैं इनके हाथ में पकड़वाना चाहूंगा। ये काफी खुश है, सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। सुबह 7 बजे से लाइन में लगे क्योंकि इन्होंने न्यूज में पढ़ा था कि 8 बजे जो है वो बैंक खुल जाएगा और अधिकारी जो है उनका फॉर्म भरवा के उनको नोट देंगे। तो काफी खुश है और काफी इनको सबसे पहले नोट मिला है। कैमरामैन को कहूंगा कि आप पीसी चौधरी आप दिखाएं कि किस तरह पूरा नोट का जो है आप इसको क्लोजअप दिखाएं, हमारे व्यूअर्स जो है उसको देख पाए। देखिए, अगर मैं ये आपको नोट दिखा रहा हूं यहां पर इस समय, यहां पर ये जो पहले हमारा ऊपर जो नंबर होता था वो भारतीय रिजर्व बैंक के नीचे है, गांधी जी की जो फोटो है उसके साथ है, और इसके साथ वो जो तार जो होती है वो जो सर्च के लिए हम रखते हैं, जिससे पूरी सर्च होती है कि नोट असली है या फेक करेंसी है, वो उसके साथ है। रिजर्व बैंक है, इसमें एक शेडो भी है जो ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट उसके गांधी जी की तस्वीर थी, गांधी जी की है, उसी पर लिखा हुआ है 2000। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये अशोक 2000 पे लिखा हुआ है, और इसके नीचे ही जो है वो पूरी सीरीज का नंबर दिया हुआ है। इसके पीछे आप देख सकते हैं कि एक सैटेलाइट का पिक्चर है। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज एटीएम से भी पैसे निकल रहे हैं। पहले ये खबर आ रही थी कि एटीएम नहीं खुलेंगे, खाली बैंक से आप पैसे निकाल सकते हैं, पर अब एटीएम से भी आप पैसे निकाल सकते हैं। 100-100 रुपए के नोट निकल रहे हैं, लेकिन जिस बैंक का कार्ड आपके पास है उसी बैंक के एटीएम से आप पैसे निकाल सकते हैं। जैसा पहले होता था कि हमारे पास अगर एचडीएफसी का कार्ड है तो हम एक्सिस बैंक से निकाल सकते थे, लेकिन आज ऐसी सुविधा नहीं है ग्राहकों के पास। और अब आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी राकेश पांडे। आज के दिन में आप राजा हैं अगर आपके पास 100-100 के ढेर सारे नोट हैं, यानी आपके खर्च भर का पैसा अगर 100-100 का नोट अगर आपके पास है तो आज के दिन में आप राजा हैं। हालांकि बैंक ने आज से ये सुविधा दे दी गई है कि आप बैंक पहुंचे और वहां पर आप पुराने 500 और 1000 के नोट वहां पर लेकर जाएं, आप पैसे जमा कर सकते हैं और साथ ही आप 2000 रुपए तक आज निकाल भी सकते हैं, ये सुविधा दी गई है। लेकिन वहां पर आपको लंबी लाइन लगनी पड़ेगी। कितना अच्छा होगा अगर एटीएम से पैसा निकल जाए, सोचिए कितना अच्छा होगा। हालांकि ये कहा गया था कि 10 तारीख तक एटीएम काम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ एटीएम ने यह सुविधा आज दे दी है कि आप पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसी बैंक का एटीएम आपके पास, डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए जिस बैंक का एटीएम मशीन लगा हुआ है। मसलन ये एचडीएफसी की एटीएम मशीन है, ये आप देखिए, और मेरे पास एचडीएफसी का ये डेबिट कार्ड है, ये देखिए मेरे पास एचडीएफसी का डेबिट कार्ड है, यानी आज के दिन में मैं राजा हूं। मैं ऑफिस आया, मुझे हालांकि इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन ऑफिस आकर मैंने इस एटीएम मशीन पर देखा कि नॉट वर्किंग का मैसेज फ्लैश नहीं हो रहा था जैसा कि कल था, तो मैंने ट्राई किया कुछ पैसे निकाल लिए, तो मैंने इसकी वजह जाननी चाहिए तो पता ये चला कि दरअसल जिस बैंक का एटीएम है उसका डेबिट कार्ड आप यूज करते हैं तो पैसे निकाल सकते हैं। नए नोट नहीं मिलेंगे, ऐसे 100-100 के नोट आपको मिलेंगे, यानी आपका आज का काम बड़े आराम से चल जाएगा। अब आपके लिए एक डेमो भी मैं करके दिखाता हूं कि आप पैसे निकल रहे हैं। बाकी एचडीएफसी का डेबिट कार्ड है मेरे पास और ये देखिए डेबिट कार्ड में इंसर्ट कर रहा हूं, और आज के खर्च में बैंकों में बड़ी लंबी लाइन लगी है। लोग 2 घंटे पहले बैंक में पहुंच गए हैं, सुबह 8 बजे से ही लोग लाइन में लगना शुरू हो गए हैं, इसलिए कि पहले कतार में खड़े हो जाए ताकि बैंक से पैसा जल्दी लें और उसके बाद जल्दी से अपने काम पर भी निकल जाएं।
आप लैंग्वेज पहले सेलेक्ट करते हैं और जो भी एटीएम से पैसे निकालते समय आपकी जो फॉर्मेलिटी होती है वो फॉर्मेलिटी आप पूरा करते हैं, उसके बाद आगे आप बढ़ते हैं और इस तरीके से आप पैसे निकाल सकते हैं। मतलब करीब 1000 रुपये मैंने पहले निकाले थे, 500 रुपये और निकालता हूं आपको दिखाने के लिए कि वाकई में आज पैसे निकल रहे हैं। ये आज के दिन में आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको इस वक्त दे रहा हूं, क्योंकि आप अगर आपके पास एचडीएफसी या किसी और कुछ बैंक ने यह सुविधा दे दी है, एचडीएफसी के कुछ एटीएम में यह सुविधा दे दी गई है, अगर आपके पास एचडीएफसी का ये एटीएम है तो आप निकाल सकते हैं पैसे। ये देखिए पैसे आप निकाल सकते हैं, ये पैसे मेरे पास आए हैं, 500 रुपये मैंने निकाले। यानी आपके पास एचडीएफसी का अगर एटीएम डेबिट कार्ड है तो आप एटीएम तक पहुंचिए और आराम से आप निकाल सकते हैं। लिमिट हालांकि ध्यान रखिएगा 2000 की लिमिट है, यानी एक डेबिट कार्ड से आप 2000 रुपये एक दिन में निकाल सकते हैं। यानी सबसे बड़ी खुशखबरी, अगर आपके पास एटीएम है, डेबिट कार्ड है, तो नजदीकी आप उस एटीएम में हो, यानी उसी बैंक के एटीएम मशीन में जाकर आप ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है बैंक में लाइन लगने से बच जाए, आज के खर्च का पैसा, आपके खर्च का 100-100 के नोट आज के दिन के लिए आपको मिल जाए। कैमरामैन पंकज के साथ राकेश पांडे, इंडिया न्यूज। आप देख सकते हैं तीन तस्वीरें, दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता से 2000 के नोट बाजार में आ गए हैं, नए नोट हैं, बिल्कुल गुलाबी रंग के, लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है। पहली बार भारत में नए नोट आए हैं 2000 रुपए के, अभी तक 1000 और 500 के होते थे जिसे मोदी जी ने बंद कर दिया, उसके बाद ये 2000 का नोट है। इस पर आप देख सकते हैं कि जो गांधी जी की तस्वीर है वो बीचों बीच है, जो पहले किनारे हुआ करती थी वो बीच में है। लोगों के चेहरे पर बहुत खुशी है, हालांकि वो सुबह 7:30 बजे से लाइन में लगे हुए थे, लेकिन जब ये नोट हाथ में आए तो वो बहुत खुश हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, दीप्ति चौरसिया भोपाल में मौजूद हैं, अजीत श्रीवास्तव एम्स पर मौजूद हैं। अजीत, ये खबर आ रही थी कि कुछ एटीएम जो है कुछ बैंक्स के वो काम कर रहे हैं, आप एम्स पर हैं, वहां मरीजों का मामला है, उनके परिजन हैं, क्या एम्स पर जो एटीएम मौजूद है वहां से पैसे लोग निकाल सकते हैं? देखिए सुमना, मैं बताना चाहूंगा, अभी जो यहां पर बैंक है वो एसबीआई बैंक है और एसबीआई बैंक पे तमाम कतारें लंबी खड़ी हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। भैया आप बैंक में गए हुए थे, वहां पे क्या स्थिति है, वहां पे एटीएम मशीन है, एटीएम से पैसे निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं वहां पे? नहीं, अभी तो काफी भीड़ लगी हुई है इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। पर मैं सुबह कनीना से चला, कनीना हरियाणा से दिल्ली एम्स के लिए, लेकिन मेरे को रास्ते में जो परेशानी हुई मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। मैंने रोडवेज में टिकट लिया तो उन्होंने कहा कि अगर आपको 500 का चेंज चाहिए तो आपको पलवल डिपो में जाना पड़ेगा। मेरे को गुड़गांव उतरना है, क्या मैं गुड़गांव से स्पेशल पलवल जाऊंगा पैसे लेने के लिए? बिल्कुल साहब, तो पर समस्या आ रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या भैया अंदर जो है एटीएम, क्या पैसे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं बैंक में? कहते हैं मिर्जापुर से आया हूँ सर। सर मैं गया लाइन में लगा, वहाँ बहुत देर के लाइन के बाद अंदर गया तो वहाँ नंबर आया किसी तरह से, तो वहाँ बोले कि आईडी प्रूफ जाओ कॉपी करा के लाओ। आईडी प्रूफ मैं ले गया था, फोटो कॉपी नहीं ले गया था, तो वो बोले कि जाओ इसकी कॉपी करा के लाओ फिर आपको पैसे मिलेंगे। हाँ, फोटो कॉपी आएगी। आप भी अंदर गए हुए थे बैंक में, क्या एटीएम क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है? एटीएम तो नहीं, मैं बैंक में गया था मगर उसमें बहुत लंबी लाइन लग हुई, दिक्कत पड़ रही थी बहुत। तो यहाँ पर शोभना हम कहें तो लोगों को अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, फोटोकॉपी जो नहीं हो पा रही है इस वजह से उनका पैसा कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो यहाँ के एटीएम की अगर बात करें, मैं खुद भी अभी दौरा करके आया था, तो अभी सरकारी जो एटीएम है वहाँ पर अभी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ प्राइवेट जो बैंकर हैं उन्होंने जरूर खुशखबरी दी है आज के दिन पे, जिस हिसाब से मोदी जी ने खुद कहा था अपने इसमें कि 2 दिनों तक एटीएम बंद होंगे, लेकिन प्राइवेट बैंकों ने भी सुविधा के लिए कि जनता परेशान ना हो इसलिए तमाम एटीएम अभी चालू किए हैं, लेकिन सरकारी बैंकों में भी थोड़ा वक्त है। अब देखना होगा सरकारी बैंक में जैसे एटीएम शुरू होता है जनता के बीच कितनी खुशखबरी और नजर आती है। शोभना जी, अजीत आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास बार बार आएंगे जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं अपने संवाददाता पुलकित नागर की एक रिपोर्ट। अगर आपके पास 500 और 1000 के नोट हैं तो जो जानकारी अब मैं आपको देने वाला हूं उसे बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आपको ये पैसे बदलने हैं तो आप बैंक जाएंगे, ये दो तरीके के फॉर्म बैंक में मिल रहे हैं। पहला फॉर्म डिपॉजिट फॉर्म है जिसे आप अभी तक भरते रहे, यानी कि जब भी आप बैंक गए हैं और पैसा डिपॉजिट करना है तो इसी फॉर्म को आपने भरा है, तो बिल्कुल सेम वही फॉर्म है
बड़ी बात यह है कि आप डिपॉजिट करते समय कितना भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि जैसे आप अभी तक अपने खाते का इस्तेमाल करते रहे हैं वैसे ही आप इस डिपॉजिट फॉर्म को भरेंगे। जितना भी पैसा यानी कि 500 और 1000 के नोट आप जमा करना चाहते हैं वो इस डिपॉजिट फॉर्म में भरने के बाद बैंक में जमा कर देंगे, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आईडी प्रूफ आप अपना अपने साथ जरूर रखें क्योंकि बैंक आपसे आपका आईडी प्रूफ जरूर देखेगा। दूसरा फॉर्म, ये फॉर्म अगर आपको तुरंत एक्सचेंज करनी है मनी और आपको पैसे चाहिए तो आप इस फॉर्म को भरेंगे। इसमें आपको बैंक के ब्रांच की जानकारी देनी पड़ेगी किस ब्रांच में आप फॉर्म भर रहे हैं। तो आपने देखा कि पुलकित बता रहे थे कि आईडी प्रूफ की कॉपी आप जरूर लेकर बैंक जाएं। और फिलहाल आपको लिए चलते हैं मुंबई। मुंबई में हमारे संवाददाता राजेश मौजूद हैं। राजेश, जैसा कि दिल्ली में भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, मुंबई में भी लगी हुई होंगी, क्या बैंक्स ने कुछ ऐसा कुछ कहा है कि ये बैंक्स जो है वो लेट नाइट खुलेंगे ताकि थोड़ी सी लोगों को राहत मिले? सब वही बात जो है सबके लिए, हाँ हाँ वो बात बिल्कुल। बैंक की तरफ से कहा गया है कि बैंक देर तक आज काम करेगी, 8 बजे तक बैंक जो है वो काम करेगी। मुंबई में दिक्कत ये हो रही है कि प्रोसेस जो है वो काफी स्लो हो रहा है, और घंटे में कहें तो 2-3 कस्टमर ही अंदर जा पा रहे हैं और बाहर आ पा रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा दूं, बैंक के कर्मचारी जो है वो लगातार बाहर आ रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक के कर्मचारी से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई 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 किस तरह की सवाल लोग पूछ रहे हैं और क्या बताना चाहेंगे? किस क्या जानकारी किस तरह की आप लोगों को मुहैया करा रहे हैं? क्या लेके आना, क्या नहीं लेके आना? आधार कार्ड और पैन कार्ड। और अगर नोट एक्सचेंज करना है तो उसके लिए अंदर फॉर्म है। और लोग काफी गुस्से में आ रहे हैं क्योंकि उनको बहुत बाहर देर खड़ा रहना पड़ रहा है, तो उसके लिए लोगों को क्या हिदायत दे? आप हम यही बोल रहे हैं कि अभी अंदर जितनी जगह होगी तो हम उनको अंदर हम खुद बुलाएंगे उनको। प्रोसेस काफी स्लो चल रहा है। प्रोसेस तो सर वो फॉर्म भरना भी है ना उनको, और सब वो नोट्स के सब लिखना भी है वो, तो इसके लिए तो उनका टाइम जाता है। तो ये बैंक के कर्मचारी कह रहे हैं, जो लोग इकट्ठा है उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। दिक्कतें हो रही हैं या सब कुछ नॉर्मल चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ? तो बहुत ज्यादा है अभिषेक। आप हमारे